वेलकम अगेन इन द्विवेदी क्लासेस। अब हम जानेंगे सम कॉमन फंडामेंटल ऑफ द सेल। तो सेल के कुछ ऐसे कॉमन फंडामेंटल फीचर्स हैं जो सभी सेलों में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ऊपर हेडिंग हम पढ़ सकते हैं क्या लिखी है, सम कॉमन फंडामेंटल फीचर ऑफ द सेल। यहाँ पर कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स हैं सेल के, वो आप लोगों के यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो वो क्या है, सबसे पहली बात है कि ऑल सेल हैव द डेफिनेट बाउंड्री और मेम्ब्रेन। सभी सेलों की डेफिनेट बाउंड्री होती है और सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल हूबहू एक जैसी होती है, लगभग। ऑल सेल हैव द डेफिनेट बाउंड्री और सेल मेम्ब्रेन, सीधा सा मतलब इस पॉइंट का ये निकलता है कि सारी जो सेलें हैं उनकी जो बाउंड्री होती है वो निश्चित होती है, सेलों का जो दायरा होता है वो निश्चित होता है, लिमिट में होती है सेलें। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेम इन ऑल सेल। स्ट्रक्चर जो होती है सेल मेम्ब्रेन की वो समान होती है, चाहे सेल मेम्ब्रेन समान हो या ना हो, मोटी हो पतली हो, लेकिन उनकी संरचना जो अंदर की वो बिल्कुल समान होती है। दूसरी बात, ऑल सेल हैव द जेनेटिक मटेरियल, यूजली हैव द डीएनए समटाइम आरएनए। हर एक सेल के अंदर डीएनए और आरएनए जैसे जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल के अंदर आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो उनके अंदर आपका जो सेल की जेनेटिक जो जानकारी है वो स्टोर रहती है, जो आने वाले सेलों में चली जाती है। वेरियस फंक्शन जैसे सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन अकर एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर। जो आपका प्रोटीन का बनना और न्यूक्लिक एसिड का बनना, ये दोनों ही सेलों में समान तरीके से होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण होना, एसिड का मतलब सिंथेसिस हो गया निर्माण होना, सिमिलर मैनर होता है समान तरीके से समान ढंग से। तो इस तरीके से क्या है, हमने देखा कि सेलों के कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में। अभी और भी हमें कॉमन फीचर सेलों के अभी जानने हैं, जो हम अगले टॉपिक में जानते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन इज सेम इन ऑल सेल, ये फिफ्थ नंबर पॉइंट है। इस पर इसमें कहा गया है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन की मैकेनिज्म होती है, सेल किस तरीके से ऊर्जा पैदा करती है, ये सभी में समान होता है। सेल की जो ऊर्जा होती है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये मिटोकॉन्ड्रिया मान लो सेल के अंदर ये है, तो यहाँ पर सेल की ऊर्जा यहाँ से पैदा होती है। क्या पैदा होती है यहाँ से, सेल की एनर्जी। और ये जो मैकेनिज्म है ऊर्जा पैदा होने की सेल के अंदर, सभी के अंदर समान होती है, क्योंकि सभी सेलों के अंदर मिटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो मिटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सभी सेलों में समान रूप से काम करता है। अगला पॉइंट आता है, ऑल सेल ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू इट्स द सक्सेसर सेल। जितनी भी सेलें होती हैं वो सभी की सभी सेलें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपनी आने वाली पीढ़ी में डाल देती हैं। किस तरीके से करती हैं ऐसा, मान लो कि जैसे एक सेल है, ये आपका एक पेरेंट सेल हो गई। अब यही पेरेंट सेल धीरे धीरे यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगी और ये टूट करके दो सेलों में बट जाएगी। जब ये ऐसा दो सेलों में बट रही होती है तो साथ ही में इनका जो न्यूक्लियस होता है अंदर, जो काला काला न्यूक्लियस होता है सेल का, वो भी बट जाता है। जितनी भी जेनेटिक जानकारी होती है सेल की यहीं पर होती है, आर एन ए के रूप में अथवा डी एन ए के रूप में सेल के अंदर यहाँ पर स्टोर रहती है। फिर ये जानकारी दो हिस्सों में बट करके आरएनए में या फिर डीएनए के रूप में इन सेलों के अंदर चली जाती है, इनके न्यूक्लियस में चली जाती है जो नई सेलें बनी। तो यहाँ पर भी इनके अंदर आरएनए पहुंच जाता है और डीएनए पहुंच जाता है। तो आरएनए जो डीएनए है वो क्या है, आपका एक जेनेटिक मटेरियल है। ये भी एक केमिकल पदार्थ ही होता है जो विशेष तरह की स्ट्रक्चर में बदल करके भेजा जाता है, जिससे क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन के रूप में जाता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर सिग्नल जाते हैं, इसी तरीके से केमिकल के रूप में यहाँ पर जानकारी जाती है आरएनए और डीएनए के रूप में। हमारे यहाँ कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन हम कोड के रूप में डालते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे किस में स्टोर हो जाती है, पेन ड्राइव है, हमारा एसडी कार्ड है, या फिर इंटरनल स्टोरेज होता है फोन वगैरह, उनमें स्टोर हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है सेल की भी जानकारी जो है यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहती है और फिर अपने आने वाले ऑफस्प्रिंग में चली जाती है। ऑफस्प्रिंग मतलब उसके बेबी में, उसके अपने बच्चों में चली जाती है जब सेल टूट करके दो हिस्सों में बटती है। अगला, एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी मटेरियल एंड द अदर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस आर ऑल्सो द सेम। तो एनर्जी जो एनर्जी का जो एक्सचेंज है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है सेलों के अंदर, सभी में समान होता है। ऊर्जा का आदान प्रदान जो एनवायरमेंट से सेलों का जो हो रहा है वो भी बिल्कुल समान होता है,
और साथ में उनका जो अंदर रिएक्शन चलती है, केमिकल रिएक्शन चलती है, केमिकल रिएक्शन चलने की मेन वजह होती है, जैसे मान लो उन्होंने फूड लिया तो फूड का डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन होने के लिए इसमें केमिकल रिएक्शन होती है सेलों के अंदर, तो ये सब जो प्रोसेस है सभी सेलों के अंदर समान होती है। तो लगभग मैंने आपको यहाँ पर 7 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए, 5 और ये आपका रहा 6 और ये रहा 7। तो इन 7ों पॉइंट को आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाए हैं, तो उन सभी पॉइंटों को आप ना ही याद कर सकते तो लगभग 1 या 2 पॉइंट आप जो है अच्छे से, लगभग 3 तो आप याद रखो या 4, जिससे कि आप उसमें एग्जाम में अगर आ जाए लिखने के लिए तो आप लिख सको।